जी अब हम करते हैं बुक रीडिंग। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिस्कस करते हैं। सोडियम अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। स्टूडेंट सबसे पहले हम अपेयरेंस देखते हैं। सोडियम जो है वो सिल्वरी वाइट अपेयरेंस है इनकी, हैविंग अ मेटेलिक लस्टर। इन मेटल्स में शाइनी, इनकी शाइनी सरफेस होती है, वेरी सॉफ्ट होती हैं एंड कैन बी कट विद नाइफ, इन्हें कट किया जा सकता है नाइफ से। मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट कलर की होती हैं और हार्ड होती हैं। कैल्शियम सिल्वरी ग्रे कलर की होती हैं और फेयरली हार्डर होती हैं, मीन के सोडियम और मैग्नीशियम से ज़्यादा हार्डर होती हैं। देन एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज मेजर किया जा सकता है पिकोमीटर में। स्टूडेंट्स यहाँ से MCQs, अब ये वैल्यूज़ MCQs में पूछी जा सकती हैं। एटॉमिक साइज जो है वो सोडियम का 186 पिकोमीटर, आयनिक साइज 102 पिकोमीटर है। देन हमारे पास मैग्नीशियम जो है इसका जो एटॉमिक साइज है 160 पिकोमीटर एंड मैग्नीशियम का आयनिक साइज जो है वो 72 पिकोमीटर। कैल्शियम का एटॉमिक साइज 197 पिकोमीटर एंड आयनिक साइज 199 पिकोमीटर। रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। ये भी MCQs में वैल्यूज पूछी जा सकती हैं स्टूडेंट्स। 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है सोडियम की। सोडियम की डेंसिटी वाटर से लेसर होती है, इसलिए ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है। देन हमारे पास मैग्नीशियम की डेंसिटी 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड कैल्शियम की डेंसिटी 1.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैलिएबिलिटी, सोडियम मेटल्स वेरी मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल जिन्हें कूटकर शीट्स बनाई जाती हैं और डक्टाइल जिनको जिनसे वायर कैन बी ड्रान इनटू वायर, जिनसे वायर भी बन सकती है। यानी मेटल्स को हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी। मैग्नीशियम भी मैलिएबल एंड डक्टाइल हैं, कैल्शियम भी मैलिएबल एंड डक्टाइल हैं, बट सोडियम वेरी मैलिएबल एंड डक्टाइल हैं। कंडक्टिविटी, सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का 97 डिग्री सेल्सियस, मैग्नीशियम 650 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्शियम 839 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट ये भी आपने MCQs के लिए याद करने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 883 डिग्री सेल्सियस सोडियम का, मैग्नीशियम का 1090 डिग्री सेल्सियस, कैल्शियम का 1484 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की 496 किलो जौल पर मोल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम 738 किलो जौल पर मोल। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 1450 किलो जौल पर मोल। देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम 590 किलो जौल पर मोल एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम 1145 किलो जौल पर मोल। लास्ट वन हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी फ्लेम इन एयर। गोल्डन येलो फ्लेम देती है सोडियम, देन ब्रिलियंट वाइट फ्लेम देती है मैग्नीशियम, ब्रिक रेड फ्लेम देती है कैल्शियम। एलिमेंट्स इन फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आर कॉल्ड अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। स्टूडेंट्स यहाँ से रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टार्ट होती हैं कि फर्स्ट टू ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट्स को अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज दियर NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। एज देयर इज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस शेल, इट कैन बी ईजीली गिवन आउट। इनके वैलेंस शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको ईजीली रिमूव किया जा सकता है। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है दैट दे आर ऑलवेज फाउंड इन नेचर एज कैटाइन विद प्लस और वन ऑक्सीडेशन स्टेट। यही वजह है कि ये नेचर में प्लस वन ऑक्सीडेशन के साथ एग्जिस्ट करती हैं। देयरफोर दे रेडली फॉर्म सॉल्ट्स विद नॉन मेटल्स, इसीलिए ये सॉल्ट्स बनाती हैं नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं, मेटल एटम्स जो होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं अल्कली मेटल से और इनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होगा इन पे अल्कली मेटल की नस्बत। दे हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंशियल, इनके वैलेंशियल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे आर आल्सो रिएक्टिव बट लेस देन अल्कली मेटल्स, ये भी रिएक्टिव होती हैं बट अल्कली मेटल की नस्बत ये लेस रिएक्टिव होती हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स है कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी अक्रेंस है, दे आर वेरी रिएक्टिव एंड ऑलवेज अकर इन कम्बाइन फॉर्म। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और हमेशा कम्बाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल फेयरली रिएक्टिव हैं, अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव हैं एंड आल्सो अकर इन कम्बाइन फॉर्म। ये भी कम्बाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, इनके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज 520 किलो जॉल पर मोल फॉर लिथियम एंड सीजियम 376 किलो जॉल पर मोल। डाउन द वर्ल्ड आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में डिक्रीज होती है वैल्यूज़। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आयनाइजेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं अल्कली मेटल से। दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रेंजिंग, इनके आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ की रेंजेस जो हैं वो 1757 किलो जॉल पर मोल बेरीलियम फॉर बेरीलियम, बेरीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1757 किलो जॉल पर मोल है, टू 965 किलो जॉल पर मोल फॉर बेरियम, बेरियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 965 किलो जॉल पर मोल है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ इनका रिएक्शन कैसे होगा। दे रिएक्ट विद वाटर विग्रेसली एट रूम टेम्परेचर, ये शदीद किस्म का रूम टेम्परेचर पर वाटर के साथ अल्कली मेटल्स रिएक्शन करती हैं टू गिव और प्रोड्यूस करती हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन देती हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। टू एलिमेंट्स ऑफ सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ टू मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अल्कलीज प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दे रिएक्ट विद वाटर लेस विग्रेसली, ये उतना शदीद रिएक्शन नहीं देते वाटर के साथ जितना अल्कली मेटल्स देती हैं। एंड ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस वीक बेसिस, इनको हीट करते हैं देन ये रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं और वाटर के साथ ये वीक बेस प्रोड्यूस करेंगी। ऑन हीटिंग मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, द इमीडिएटली टर्निश इन एयर गिविंग दियर ऑक्साइड्स विच फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग अल्कलीज इन वाटर, ये एयर के साथ फौरी तौर पर रिएक्शन करती हैं, ऑक्साइड्स बनाती हैं और वाटर के साथ ये स्ट्रॉन्ग अल्कलीज देती हैं। फोर मोलर सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी 2 मोल्स। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। दे आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड ऑक्साइड्स आर फॉर्म, ये ऑक्सीजन के साथ लेस रिएक्टिव है। जब ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव नहीं होते जितनी अल्कली मेटल्स होती हैं। आर फॉर्म्ड ऑन हीटिंग, हीटिंग के साथ ये रिएक्शन देती हैं और ऑक्सीजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ऑक्साइड्स बनाती हैं जब इनको हीट किया जाता है। दीज ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, जब इनके ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये वीक अल्कलीज प्रोड्यूस करती हैं। टू मोलर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर, ये आयनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं हाइड्रोजन के साथ अल्कली मेटल्स रूम हाई टेम्परेचर पर। सोडियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड, दे गिव हाइड्राइड्स अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर ये हाइड्राइड्स बनाती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्राइड्स रिएक्शन विद हैलोजन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शंस जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिएक्शन विद हैलोजन्स, दे रिएक्ट वॉयलेंटली विद हैलोजन, ये हैलोजन्स के साथ शदीद किस्म का रिएक्शन करते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर टू गिव हैलाइड्स, हैलाइड्स देते हैं। टू मोलर सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दे रिएक्ट विद स्लोली अल्कलाइन अर्थ मेटल, स्लोली रिएक्ट करेंगे हेलोजन के साथ और हेलाइड्स देंगे। कैल्शियम रिएक्ट विद क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। रिएक्शन विद नाइट्रोजन, दे डू नॉट फॉर्म नाइट्राइड्स डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नाइट्राइड्स नहीं बनाते। दे फॉर्म स्टेबल नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन, 3 मोलर मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। रिएक्शन विद कार्बन, दे डू नॉट रिएक्ट विद कार्बन डायरेक्टली, अल्कली मेटल डायरेक्टली कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल स्टेबल कार्बाइड देती हैं। ऑन हीटिंग विद कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कार्बाइड बनाती हैं जब इनको हीट किया जाता है।
टू कैल्शियम रिएक्ट विद कार टू मोलर कार्बन फॉर्मेशन ऑफ सी ए सी टू कैल्शियम कार्बाइड।